तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दो तरह से आपके किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के पासवर्ड पिन या पैटर्न लॉक को तोड़ने की मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने फ़ोन का जो पैटर्न लॉक है वो भूल चुका हूँ। और यहाँ पर आप अगर उसको 5 बार ट्राई करते हैं, जैसा कि मैं आपको ट्राई करके बता रहा हूँ, तो अगर आप उसको 5 बार ट्राई कर लेते हैं तो वहाँ पर एक विंडो पॉपअप हो जाती है और उसमें लिखा होता है कि आपने अगर 5 बार इसको यूज़ कर लिया है, यानी कि गलत पैटर्न डाल दिया है, तो आप 30 सेकेंड वेट कीजिए। और वहीं पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें लिखा होता है बैकअप पिन। तो अगर आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी पैटर्न या पिन सेट करते हैं तो वहाँ पे हमें एक बैकअप पिन देना होता है। तो अगर वो बैकअप पिन आपको याद है तो 30 सेकंड के लिए वेट कीजिए और यहाँ पर जाकर के आप अपना वो बैकअप पिन जो है डाल दीजिए। तो आप अगर बैकअप पिन आपको याद है तो आप डाल सकते हैं और पैटर्न को अनलॉक कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए चलिए कि अपना बैकअप पिन भी भूल चुके हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने फ़ोन को आपको स्विच ऑफ करना होगा पावर बटन पर को प्रेस करके। तो यहाँ पर चलिए हम हमारा फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद में आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि इस मेथड में आपका सारा डेटा जो है वो फ़ोन का लॉस हो जाएगा, मतलब जो भी आपकी पिक्चर फोटोज़ वगैरह जो भी है वो सब लॉस हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपके फ़ोन के अंदर जो भी आपकी सिम कार्ड या SD कार्ड जो भी आपने लगाई हुई है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि इस मेथड से हो सकता है कि आपकी SD कार्ड भी फॉर्मेट हो जाए। तो इन दोनों को चीज़ों को निकाल करके आप साइड में रख लीजिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका पावर बटन है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मेरा पावर बटन है, तो सभी फ़ोन में अलग अलग जगह पर होता है पावर बटन, मेरा इस साइड में है। तो पावर बटन और वॉल्यूम अप की, ये आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम अप और पावर की और होम की को तीनों को 10 सेकंड के लिए एक साथ आपको प्रेस करके रखना है। तो जैसे आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो जो आपके फ़ोन का बूट लोडर होता है, यानी कि जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं सैमसंग गैलेक्सी A7 यूज़ कर रहा हूँ, तो वो A7 दिखा रहा है। ऐसे इसको पकड़ के रखना है और जब तक नहीं छोड़ना है तब तक हम रिकवरी मोड में नहीं आ जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिकवरी मोड मेरा जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपका टच जो है वो काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है कि वॉल्यूम डाउन की से डाउन आ जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइप कश पार्टीशन लिखा हुआ है, तो वाइप कश पार्टीशन के ऊपर आपको जो वॉल्यूम डाउन की है उसको प्रेस करके आ जाना है। और उसके बाद में चलिए हम यहाँ पे पहले इसको वॉल्यूम की से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और अब आपका पावर बटन जो है वो एक सिलेक्ट मतलब ओके के रूप में काम करता है, तो उससे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे ये येस और नो पूछेगा, तो फिर से वॉल्यूम डाउन की दबाइए और येस के ऊपर आ जाइए और पावर बटन को दबा करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में आपको प्रोसेस चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये प्रोसेस जो है वाइपिंग की प्रोसेस है जो आपके पार्टीशन को डिलीट कर देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइपिंग की प्रोसेस जो है डन हो चुकी है। अब हमें जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट करना है, तो फिर से पावर डाउन सॉरी जो वॉल्यूम डाउन की है उसको प्रेस करके वाइप फैक्ट्री डाटा रिसेट पर आ जाना है और पावर बटन का यूज़ करके उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर हमसे येस और नो पूछेगा, तो हमें वॉल्यूम डाउन की दबानी है और येस के ऊपर हमें आ जाना है। और येस के ऊपर हम आने के बाद में फिर से हमें पावर की का यूज़ करना है और सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्रोसेस चलेगी और ये हमारा जो पूरा डेटा है मोबाइल का वो वाइप हो जाएगा, यानी कि हमारा मोबाइल जो है पूरा नए के जैसा हो जाएगा, जैसा कि हम फर्स्ट टाइम हमने परचेस किया था और उसको ऑन किया था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर आप इसी विंडो पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रीबूट सिस्टम, रीबूट सिस्टम नाउ, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो आपको उसी के ऊपर रहना है और पावर बटन को दबा देना है। तो जैसे ही आप दबाएंगे तो आपका सिस्टम जो है रीबूट हो जाएगा और रीबूट होने के बाद में आपका सिस्टम यहाँ पर देख सकते हैं ये रिस्टार्ट होने लग गया। तो अब यहाँ पर हमें जो है हमारी पूरी सेटिंग को फिल कर देना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से जो भी हमारी सेटिंग है वो पूरी यहाँ पर फिल कर देते हैं, जैसे हमें टाइम कहाँ का चाहिए या वाईफाई वगैरह सब कुछ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल हो गया बिल्कुल फ्रेश और यहाँ पर अभी कोई भी पैटर्न पिन या पासवर्ड नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट ही ओपन कर सकता हूँ और सब कुछ इसके फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।